हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमें आप पर विश्वास है बाबा, आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ, हमारे सदगुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सदगुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। लो ये चाकू दामोन्ना, इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामोन्ना। चलाओ चाकू दामोन्ना। दामोन्ना संभालो अपने आप को। दामू श्यामा बाबा इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा लेकिन ये निर्भय थी, कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है
कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान? समझना ही नहीं चाहता, वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। तमन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के चार मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है, हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया, इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साई नाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना, तो आप महा बनेंगे। क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम।
आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं, मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। ये ले पकड़। मगर माँ जी अब इससे आगे कुछ मत बोलना, ये तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। और चल उठ निकल ले। जी माँ जी, इनमें से एक आम हम भगवान को प्रसाद में चढ़ा देते हैं और एक आम मैना दीदी को दे देते हैं। क्यों, उस मनहूस को आम किस लिए? अरे कौन सा आम खाकर उसकी मौत टल जाने वाली है। इसीलिए तो दीदी को आम खिलाना चाहती हूँ माँ जी, मरने जो वाली है कहीं उसके दिल में आम खाने की चाहत रह गई तो वो मरने के बाद भूत बनकर आएगी और हमें कभी आम नहीं खाने देगी। ठीक है ठीक है, जा जल्दी से उसे आम दे दे। जी माँ जी। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था, इसीलिए तुमने आम खरीदे ना? हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए, अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। जय साईं बाबा। बहन मैं पहला आम साईं बाबा को अर्पण करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें अर्पण किए बगैर मैं कुछ नहीं खाती। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मुझे अपने भक्तों की सदा चिंता रहती है, उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं किसी भी रूप में उनके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता उसके उद्धार के लिए मैं बेचैन रहता हूं। जो मेरी भक्ति करता है, जिसे मेरे बिना सारा संसार सूना लगता है, जो हर पल हर समय मेरा ही गुणगान करता रहता है, उसको मैं ताप शाप पाप से मुक्ति देता हूं। बेचारी सासुमा, ये दिन उस वैद्य की वजह से देखने पड़ रहे हैं। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया दुर्गा बहन? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ये सब जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने तो किया है मेरा ये सारा हाल। अरे ये क्या कर रही है दुर्गा बहन? ये
अरे दुर्गा बहन, ये क्या कर रही हो? दुर्गा बहन देखो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखो देखो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ये देखो। तुम मुझे दवा दोगे? मैं देती हूँ तुम्हें ऐसी दवा जिससे तुम किसी को दवा देने के लायक ही नहीं रहोगे। विश्वासघाती दुर्गा बहन। दुर्गा बहन सुनो तो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। कसूर कैसे नहीं है तुम्हारा? हाँ, पूरे 25 रुपए लिए थे तुमने मुझसे, ये कहने के लिए कि मैं बीमार हूँ। फिर मैं कैसे ठीक हो गई? बोलो बोलो। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? हाँ, इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। तो मतलब ये सारा किया धरा उस कमला का है? हाँ हाँ, उसी कमला की वजह से है दुर्गा बहन, उसी कमला की वजह से है ये सारा ढोंग, ये ड्रामा कमला का है। छोटी बहू। सासुमा, इतनी जल्दी घर का कामकाज खत्म कर दिया? वो तो करना ही था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो मैं बीमार पड़ी हूँ। क्या बीमारी है तुम्हें? नींद की? हाँ, देखिए ना सासू माँ, ये वैद काका की दवाइयों से ना नींद बहुत आती है। अब नहीं आएगी। तुम मुझे जानती नहीं है मनहूस? बस और नहीं, अब अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी आपका हाथ। मुझ में अच्छे संस्कार न होते और आपकी उम्र का लिहाज न होता तो जो थप्पड़ आपने मुझे मारे हैं उनका जवाब मैं थप्पड़ों से ही देती। आपने हमें समझ क्या रखा है? बहुएं हैं हम, नौकरानियां नहीं। मुंह मांगा दहेज दिया है हमारे माँ बाप ने, किस लिए? आपकी थप्पड़ खाने के लिए या फिर दिन रात आपकी बातें सुनने के लिए? दहेज मुफ्त में नहीं दिया, इस उम्मीद से दिया है कि हम यहाँ सुख शांति से रहें, और आप तो हर पल हमारा सुख हमारी शांति छीनती है हमसे। मैं नरक में रहने नहीं आई हूँ, मैं आपको दीमक बनके हमारी जिंदगी चाटने नहीं दूंगी। आप ये कैसे भूल गई कि एक दिन आप भी बहू बनकर इस घर में आई थी? क्या आपकी सासू माँ भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसा आप हमारे साथ करती हैं? अगर करती थी तो आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी और ना ही दीदी करेंगी। समझ गई बात को या फिर समझाऊं? नहीं, समझ गई, मैं समझ गई। रुक जाओ दीदी। कुछ भी हो बहन, सासू माँ हमारी माँ सम्मान है। जानती हूँ दीदी और मानती भी हूँ, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए बीमार को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है। कड़वी दवा। अब चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास
और श्वास दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी मां पर विश्वास करता है, दूसरों पर नहीं। इसलिए तो वो मां से किसी दूसरे के पास जाता ही नहीं, लेकिन दूसरों की गोद से अपनी मां की तरफ लपकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो अपने पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों पर विश्वास करने लगता है। जब मनुष्य कुमार अवस्था में आता है, तब वो भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास करने लगता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जो मनुष्य पैदा होते ही सिर्फ अपनी मां पर विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने मां बाप से ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। मनुष्य शादी के बाद अपने माता पिता का दर्द महसूस नहीं करता है, लेकिन जब खुद मां बाप बनता है तब वही दर्द उसे भोगना पड़ता है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने मां बाप को कितना दर्द दिया था। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, नौकर नौकर नमक हराम बन सकता है, रिश्तेदार वो तो कभी भी पीठ में छुरा मार सकते हैं, तो किस पर विश्वास करें? उस पर, मालिक पर, भगवान पर, ईश्वर पर। वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम जिस भाव से उसकी भक्ति करोगे, वो उसी भाव से तुम पर कृपा करेगा। तुम किसी खतरे में हो, संकट में हो, तो वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मजबूरी में, निराशा में वही एक है, वही है जो तुम्हें आशा की किरण दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, तब वो ही एक है जो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। मालिक तुम्हारा मित्र है, भाई है, मां बाप है, और वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्चाई का साथ चाहता है और भक्ति चाहता है। उसे मित्र बनाना है, उसकी कृपा का भागी बनना है, उसका विश्वास जीतना है। तो एक फल, एक फूल, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ एक पत्ता भी काफी है उसके लिए। अंतःकरण से निकला हुआ एक आंसू भी उसे मंजूर है। जो मालिक पर विश्वास करते हैं, उनका हार निश्चित है, क्योंकि विश्वास मालिक का ही एक रूप है। सबका मालिक एक। आने दो रमाकांत को, सब बता दूंगी। हदी कर दी, कैसे उछल उछल कर दहेज की बातें कर रही थी, जैसे और कोई दहेज तो देता ही नहीं। अरे हमारी बेटी होती तो हम दहेज ना देते क्या? ऐसे उछल रही थी, दहेज लाई तो क्या हुआ, ये घर खरीद लिया क्या? माँ आ गया तू बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो कमला के रोने की आवाज है। कम
कमला, कमला अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ तुम चुप रहोगी, अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ, पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया, तुम्हें जरा सी भी बात। क्यों सासू माँ, आई बात समझ में? नहीं तात्या नहीं, ना समझ नहीं है, इंसान है तो समझदार, लेकिन अहंकार नाम का सांप जब उसे डस लेता है तो वो समझदार होकर भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, वही ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस लक्ष्मी की तरह? ए चुप बाबा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती। बच्चों जब इंसान मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैंने किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है तो समझ लो वो अहंकार के अधीन हो गया है, बह गया है। फिर उसे सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाता है बाबा? ओ मालिक उसे सीधा करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं सुन रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मालिक तो हजारों लाखों हाथों वाला है, उसकी आंखें, उसके कान अनगिनत हैं, वो सब सुनता है। सब देखता है, उसके पास इंसान के पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा बना रहता है, वो इंसान को सुधरने का मौका भी देता है। लेकिन जब इंसान के पाप की राशि उसके पुण्य की राशि से बढ़ जाती है तो वो उसे रोकता भी है। किसे बाबा? मालिक खुद आता है। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूं कि तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और बड़े होकर उनका सहारा बनो। वो मालिक तुम्हारा सहारा बनेगा, सबका मालिक एक। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, एक बात समझ में आई आपके? पहले तो उस ढोंगी साई ने शिरडी के बड़े लोगों को अपने वश में कर लिया और अब
बच्चों को प्रवचन देकर उन्हें भी अपने वश में करना चाहता है ताकि शिरडी पर उसका एक छत्र राज चलता रहे। अरे वैद्य जी, शिरडी की छोड़िए, साईं बाबा का तो शिरडी के बाहर भी राज चलता है। एक राज की बात कहूँ, साईं बाबा के पास दूर दूर से लोग आते हैं। अपने भगवान द्वारिकानाथ जी के पास लोग तो क्या, इनके अपने भी दूर चले गए। नालायक मूर्ख, क्या नाप छनाप बोले जा रहा है आए? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ वैद्य जी, वो अहमदनगर से दामू अन्ना कोसार आया था ना, हाँ। वो आम लेके गया है साईं बाबा से। आम लेके गया है? अरे आम खाने से क्या बच्चे पैदा होते हैं? वैद्य जी, मेरे मन में एक शंका है, आप ही समझदार लगते हैं, एक बात पूछूं? समझदारी की बात हो तो पूछना मूर्ख, समझे पूछ। वैद्य जी, अगर आम खाने से बच्चा हो तो शादी करने की क्या जरूरत है? वाह वाह वैद्य जी, दोनों ने हमारे दिल की बात कही है। मेरी भी। आपके दिल की बात कही ना, अब मेरे दिल की बात सुनिए। आप साईं बाबा से आम ले आइए, आपको शादी करने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे नालायक मूर्ख, सत्यानाश हो जाए तेरा, हैं? मूर्ख कहीं के। उर्मिला, ये सब क्या है? साईं बाबा की हम पर कृपा हुई है, उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया है और संतान होने का आशीर्वाद भी। तो फिर साईं बाबा ने ही कहा है ना, जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। जो दिल से मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करता हूं। जो हमेशा मुझे याद करते हैं, हर समय मेरा ही गुणगान करते हैं, मैं हमेशा उनका साथ देता हूं, उनके साथ होता हूं, उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। सबका मालिक एक। अरे बड़ी बहू, कहां मर गई तू? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, चला मेरे पांव दबा दे जरा। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस मुसीबत से रमाकांत की शादी करवाई। ये सब क्या है बड़ी बहू, ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। कहो तो सासु माँ, मैं दबा दूँ? ये तो मेरे पांव तोड़ देने की फिराक में है। अब मैं मैना दीदी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या इसे मायके भेज रही हो इतनी रात गए? नहीं, आज से दीदी अपने पति के साथ रहेंगी, अपने पति के कमरे में सोएंगी। मैं दीदी का हक छीनना नहीं चाहती। चलो दीदी, आपको
किसी की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। दीदी, इस रात का और आने वाली हर रातों का एक भी पल गवाना अपराध है। चलिए, रमाकांत जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बहन, तुम्हारे जैसी सौत हर औरत को मिले। सपति, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध ही हमें इस जन्म में एक दूसरे से मिलाते हैं। इसीलिए तो जो अनजाना है वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, और जाना पहचाना सा अनजाना सा लगता है। कभी कभी हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसे देखते ही आस्था निर्माण होती है, और कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। साईनाथ, हमारे पूर्व जन्म के संबंध ही हमारे मन में ऐसी भावनाओं का निर्माण करते हैं। सच कहा तुमने मालसापति। मालसापति, आत्मा शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर ही दूसरा जन्म लेता है। ये संस्कार ही आत्मा की पहचान होती है मालसापति। मालिक की लीला भी अगाध है मालसापति। सबका मालिक, एक साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। जानी बेटी, किसी को पूछ तो, क्या क्या यही शिरडी है? हाँ बाबा, यही शिरडी है। तुम्हें कैसे पता? शांति से कान लगाकर सुनो माँ। बाबा का नाम स्मरण सुनाई दिया। बाबा, इन पेड़ पौधों को तो सुनिए। सांचो तेरो ना,
जन्नी बेटा, यहाँ के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बल्कि यहाँ की मिट्टी और ये हवा भी साईं बाबा का जाप कर रही है बेटा। जब यहाँ के पेड़ पौधे भी साईं बाबा का ही जाप कर रहे हैं तो ये शिरडी गांव ही हुआ ना। हाँ। सारे वातावरण में दिव्य सुगंध फैली है। ये दिव्य सुगंध ही बताती है कि यहाँ भगवान का निवास है, मतलब ये शिरडी है। शिरडी मेरा पंढरपुर साईं बाबा। बाबा लोग क्या गा रहे हैं? हाँ जानी बेटे, वो गा रहे थे कि शिरडी मेरा पंढरपुर है और साईं बाबा ही हमारे विठोबा। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। जनी बेटा, वो फकीर है ना, उनसे जाकर पूछो साईं बाबा कहाँ है। वो अपने आप को मूर्ख समझता है। वो तो आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहा है। वाह प्रभु वाह, अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले को तो ये एहसास दिलाता है कि वो दरअसल कितने कमजोर हैं। माँ, वो अकेले में क्या बोल रहा है, किसे बोल रहा है? जब इंसान को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, वो इस संसार में अकेला है, तब तो उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके साथ हो। वाह मालिक वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे बहन सुनो तो, हम साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? तो कर लो दर्शन। साईं बाबा भी नाटक करने लगे हैं। नाटक तो तुम भी कमाल के करते हो मालिक, और तुम्हारे नाटक के पात्र भी कमाल के होते हैं। बाबा। हाँ? बोल बेटी। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही तो साईं बाबा हूँ, लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। ऐसी क्या देख रही हो, मैं पागल लग रहा हूँ तुझे? यकीन नहीं हो रहा है ना, अभी बताता हूँ। अरे ओ सगुण, ए सगुण, आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जी बाबा। नमस्ते। क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? इन्हें बताओ कि मैं ही साईं बाबा हूँ, बोलो बोलो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हंसता है?
मजाक उड़ा था। यही साईं बाबा है, यही है साईं बाबा। साईं बाबा भी कैसी कैसी लीला रचते हैं, जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार करवाते हैं वो खुद अपनी पहचान करवा रहे हैं। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बाबा, मैं अपने पिताजी को साईं बाबा के पास ले जाना चाहती हूँ। वो बड़े दयालु हैं। वो मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। क्या मतलब? अरे बेटी, मैं ही सचमुच का साईं बाबा हूँ। हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। जाएंगे, मैं, माँ और बाबा तीनों जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं बाबा के चरणों में मैं सर रखकर कहूंगी कि साईं बाबा मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए, चाहे उनका दुख दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें सुख दीजिए। मैं आपके लिए भी साईं बाबा से प्रार्थना करूंगी। साईं बाबा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। चलो माँ, चलो बाबा। सारे बाबा तुम कितनी निष्पाप और प्यारी बच्ची हो जनी। काका जी, नाना साहब से कह देना कि अब पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोल दूंगा बेटी, लेकिन नाना साहब मानने वाले थोड़े ही हैं। मैं ना बेटी को हम दोनों का प्यार, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। हमारे शरीर तो यहां होते हैं, लेकिन मन तुम्हारी ही चिंता में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है मैना बेटी, कि बेटी को जन्म दो, पाल पोस कर उसे बड़ा करो और अपने से दूर कर दो। सुबह शाम मैं यही सोचकर रोती रहती हूं कि पता नहीं तू वहां कैसी होगी, किस हाल में होगी। हम मजबूर हैं बेटी, रोज वहां आकर हम तुमसे मिल भी नहीं सकते और तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख भी नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता होकर भी तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। साईं बाबा की बात याद रखना और सब्र से काम लेना। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी का ये पतझड़ बीतेगा और बाहर आएगी। साईं बाबा तुम पर कृपा करें, अपना ख्याल रखना। मैना बेटी, मां बाप का दिल ही ऐसा होता है, बेटी के लिए हमेशा पिघलता रहता है। चलूं? जी। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है। नाना नाना ना सासुमा, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं। तुम कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पैसे देती हो या मैना? काका जी गए? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, ये छोटी बहू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से इतना कहा
कि तिजोरी की चाबियां मैना दीदी को दे दे। अब आप ही बताइए, जाने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना, और अभी दीदी के पास दिन ही कितने बचे हैं। अगर उनका दिल किया कि चाबियां उनकी कमर पे लटके, तो वो लटकने देनी चाहिए ना। ठीक बोल रही हो माँ, चाबी मैना को दे दो। लेकिन दे दो माँ। हर अत्याचारी अपने आप को शक्तिशाली समझता है, उसे लगता है उस पर पाबंदी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार में मस्त होकर वो दूसरों पर अन्याय करता रहता है, और उनका आक्रोश और आंसू देखकर वो अपनी जीत की खुशियां मनाता रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को मलिन करते हुए परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक सर्वशक्तिमान है। अपनी खुद की अदालत का न्यायाधीश बनकर वो ये भूल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अदालत तो मालिक की होती है, जिसमें हर किसी का न्याय किया जाता है। जो मालिक को भूल जाते हैं वो अपराधी हैं, कृतघ्न हैं, और उन्हें अपने अपराध का दंड मिलता है। जहां वो राजा था वहीं उसे गुलाम बनना पड़ता है। अत्याचार करने वाले को खुद अत्याचार से पीड़ित होना पड़ता है। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों को खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वाले को खुद आंसू बहाने पड़ते हैं। और जब वो आक्रोश करता है तो उसके आक्रोश की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। उस निर्दयी पर कोई दया नहीं दिखाता। जब उसका अहंकार, उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है, तब उसे मालिक की याद आती है, और अपनी गलतियों के लिए वो मालिक से दया की भीख मांगता है। लेकिन इंसान ऐसा अपराध करता ही क्यों है? क्यों दूसरों को पीड़ा देता है? क्यों अत्याचार करता है? क्यों भूल जाता है कि हम सब उसी मालिक के अंश हैं? हमें दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं होगी। मालिक खुद ब खुद प्रसन्न होगा और हमारा उद्धार करेगा। इसलिए कहता हूं, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। सबका मालिक एक। बहुत दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इस बुखार को भी कमबख्त अभी आना था। जी, भगवान पे भरोसा रखिए, वो दयालु है। आप ही ने तो कहा था कि विठोबा पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए थे। वैसे ही जब साई बाबा को पता चलेगा कि अब शिरडी आकर भी उन्हें नहीं मिले, तो वो आपको खुद यहाँ मिलने आ जाएंगे। मैं आ गया हूँ। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं वहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? अरे
तुम लोग मुझसे मिलने यहाँ आए हो ना? हाँ बाबा, हम आएंगे, हम आपको मिलने जरूर आएंगे, पर अभी मेरे बाबा को बुखार है ना? आपको भूख लगी है? हाँ हाँ, मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी, मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे, इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। लीजिए खाइए। कितना अच्छा स्वाद है भाकरी और गुड़ में। हाँ, मेरी माँ ने बनाया है। तुम्हारी माँ तो अन्नपूर्णा है बेटी। अरे ओ सुंदरी, ओ मैथिली, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे भाकरी और गुड़ खाओगी? किसे बुला रहे हैं आप? आ जा आ जा आ जा, इसे मैंने ही बुलाया है। आ जा आ जा, इधर आओ, खाओ 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 खाओ। और खाओ। सबर कर सबर कर। तुम बेटी आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। साईं बाबा कहलवाता है और भिक्षा मांगता है, खाना खुद नहीं खाता, जानवरों को खिला देता है। बेचारा साईं बाबा। आराम खाओ। कर्ज लिया था क्या सोचकर कि वापस नहीं करोगे? करूंगा करूंगा मालिक, करूंगा। कब करोगे? कितने महीने हो गए कर्ज लिए? मेरा पैसा खाना चाहते हो? देर हो गई मालिक, वापस कर दूंगा। साहूकार हूँ, कोई दानी नहीं कि अपना पैसा छोड़ दूं। सूद समेत वसूल करूंगा। बोल, कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल। मालिक, इसके घर में जो कुछ भी हो एक एक चीज उठा लाओ। मालिक ठहरो, रुपये लाए हो, पैसे लेते वक्त कैसे गिर गिराते थे सारे, और अब साख सुन गए तुम लोगों को, जहरीले सांपों से कटवा दूंगा तुम लोगों को, याद रखना। मालिक थोड़ा समय दे दो मालिक। समय? और अभी तक समय नहीं था तुम लोगों के पास? मेरा पैसा खाना चाहते हो, मुझे उल्लू बनाते हो, पहलवान। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें रुपये दिए और तुमने मुझे से धोखा किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। अब तुम लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अपाहिज बना दूंगा तुम सबको, टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। आराम। नहीं! क्या हुआ? आप अचानक नींद से जगे क्यों? आप ठीक तो है ना बाबा? जनी बेटी, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मेरा मुंह टेढ़ा हुआ था क्योंकि मैं लोगों को गालियां देता था। मेरा ये पैर टेढ़ा है क्योंकि मैं लोगों को लातों से मारता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है अचानक आपको? भागी,
मुझे पिछले जन्म का साक्षात्कार हुआ है। क्या? हाँ, और ये साक्षात्कार मुझे साईं बाबा ने करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है। जनी बेटी, हम आज ही साईं बाबा को ढूंढने जाएंगे और उनकी शरण में जाकर मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। साईं, सुनो बहन। हाँ? हमें साईं बाबा के दर्शन करने हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? मैं हर जगह हर दिशा में हूँ, हर प्राणी में हर जीव में मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही ये विश्व चराचर व्याप्त किया है। अगर साईं बाबा शिरडी में ही है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखों से देखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा। कहाँ होंगे साईनाथ? मालिक को पाना है तो पूरी तरह संपूर्ण उनका शरणागत बनना होगा। अहंकार को त्याग, सदैव मालिक का ध्यान करना होगा, उसे स्मरण करना होगा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं शक्तिदाता मालिक ही ऐसे भक्तों का दास बन जाता है। तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे। वैद्य जी, वैद्य जी, हमें भी गाना गाना चाहिए ना? तू ही कंस तू ही रावण द्वारिका नाथ मेरे, तू ही नालायक मूरख कहीं के हैं? क्या गा रहा है तू? तुझे द्वारिका नाथ जी कंस दिखाई दे रहे हैं, हैं? रावण दिखाई दे रहे हैं? वैजी वैजी, साईं बाबा की स्तुति की जाती है तो साईं बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की पीठ पर माँ की तरह हाथ फेरते हैं। मैंने द्वारिका नाथ जी की स्तुति की तो आपके हथौड़े जैसे हाथ मेरे पीठ पर पड़े। क्यों? तू ही रावण तू ही कंस द्वारिका नाथ मेरे। चुप, गिरे पड़े। चुप, अरे ठहर, तू कहाँ जा रहा है? सत्यानाश हो जाए तेरा। आ जा तू यहाँ, मैं दिखाता हूँ कौन रावण है कौन कंस है। तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे हो मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईं नाथ मेरे। अरे भैया सुनिए। अरे शिरडी में नए आए हो? हाँ नहीं मौसी, 5 दिन हुए आए हुए। हाँ बाबा से मिले? यही मेरे बाबा है। मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूँ। हम उन्हीं को ढूंढते भटक रहे हैं। कहाँ मिलेंगे वो हमें? आगो भाई, शिरडी में आके साईं बेटे की तलाश में भटक रहे हो। साईं बेटे? क्या साईं बाबा आपके बेटे हैं? हाँ, और मेरे भैया हैं। हाँ तो उन्हें बुलाइए ना, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। साईं बाबा इस घर में नहीं, वो तो द्वारिका माई में रहते हैं। द्वारिका माई? हाँ वो रही, वो रही द्वारिका माई। मेरा साईं बेटा आपको वही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ, शिरडी में आए इन्हें 5 दिन हुए हैं और इन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए,
यह कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आता कि इनमें कौन साईं बाबा है। मैं ही साईं बाबा हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं मैं तो यहीं रहता हूं। द्वारिका माई में तो साईं बाबा रहते हैं। चनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं ही साईं बाबा हूं। तीनों साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं साईं बाबा को। साईं बाबा भी मजा ले रहे हैं, अपनी पहचान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम साईं बाबा कैसे हो सकते हो? हाँ माँ, ये तो वही पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं साईं बाबा हूँ। चाहो तो इन सबसे पूछ लो। हाँ। हमें किसी से नहीं पूछना, हमें अपने आप पे ही विश्वास है। जनी बेटी, कुछ लोग अपनी नासमझी को विश्वास मान लेते हैं, और कुछ लोग अपनी जिद को विश्वास मानते हैं, और कुछ अपने अहंकार को। लेकिन जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। तुम पागल होकर भी ये सब कैसे बोल लेते हो? दादूबा, मैं बोलता जरूर हूं, लेकिन गालियां किसी को नहीं देता। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल! माँ, उस मौसी ने कहा था कि साईं बाबा उनके बेटे हैं, और उनके बेटे ने भी कहा था कि साईं बाबा उनके भैया हैं। हाँ। तो ये पागल साईं बाबा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उम्र में बड़ा है। साईं बाबा कहाँ बैठते हैं? अरे भाई, इस द्वारका माई में तो बाबा हर जगह बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं, वहां बैठते हैं, और वो बाबा का आसन है। अरे, ये तो साईं बाबा के आसन पे बैठ गया। यहाँ से उठो, उठो यहाँ से। और क्यों क्यों? ये साईं बाबा का आसन है, उठो यहाँ से। जनी, मैं ही साईं बाबा हूँ। अरे, अब सिद्ध करो। क्यों? यहाँ से उठो, नहीं तो लोग तुम पे नाराज होंगे। कितनी भाग्यशाली है ये लड़की। बहुत बड़ा पुण्य है उसका। इसीलिए तो साईं बाबा पर हुकुम चला रही है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। उठो यहाँ से। मैं तो यहीं बैठूंगा। अच्छा। मैं यहीं बैठूंगी, ये मेरा स्थान है। अरे अरे, अच्छा अच्छा, रुको रुको, अब तो उठता उठता उठता। बाबा। अरे तात्या, ये लोग आपके दर्शन के लिए बाबा शिरडी में 5 दिन से भटक रहे हैं। लो, हो गए साईं बाबा के दर्शन। मालिक, हमें साईं बाबा से मिलना है। बाबा, अरे मैं साईं बाबा हूँ, लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे, इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। साईं, क्यों अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? बाबा को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बड़ा मजा आता है। परीक्षा तो मेरी दादोबा भगीरथी और ये जनी ले रही थी। इनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मुझे
पागल समझ रहे थे। जंगल में मैंने इनको शेर से बचाया है, इनकी रक्षा की। साक्षात्कार करवाया, दिखाया कि किन कर्मों का फल ये दादुआ भोग रहा है, फिर भी इसको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। साईं बाबा, दादुआ, हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है, इसलिए मुझे जनी के साथ बच्चा बनने में बहुत मजा आया। जनी की डांट मुझे अच्छी लगती थी, जब जनी मुझे मां बनकर मुझे समझा रही थी तब मुझे अपनी भाईजा मां याद आई। मां अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है, और ये जनी मुझे पागल समझकर मेरा पागलपन दूर करने के लिए ये जनी साईं बाबा से प्रार्थना करने वाली थी। जनी जैसे निष्पाप बच्चों में मालिक निवास करता है, और जहां मालिक होता है वहां उसके साथ सुख समाधान ऐश्वर्य संपदा आरोग्य हमेशा होते हैं। देखो यहाँ कोई था, किसी के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? साई बाबा। ये जनी तो दादूबा का सारा दुख सारी तकलीफें अपने ऊपर लेने को तैयार है। तुम ये क्या कर रही हो जनी? जंगल में साईं बाबा की पैरों की धूल से मेरे बाबा का टेढ़ा मुंह ठीक हो गया था, उसी तरह मैं ये धूल मेरे बाबा के टेढ़े पैर पे लगाऊंगी। साई कथा अनंत है, साई
गया, आपको पैर ठीक हो गया जेनी के पापा। बाबा, मेरा पैर ठीक हो गया। बाबा। बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, हमें क्षमा कर दो बाबा, हमने हमने आपको पहचाना नहीं, आपको उपहास किया, हमें क्षमा कर दो। जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे उसके भोग भोग लिए हैं तुमने। इतना याद रखना कि मालिक ने मुंह इसलिए नहीं दिया है कि तुम किसी का अपमान करो, बुराई करो या किसी को गालियां दो। हमें जो मुंह दिया है वो मालिक का गुणगान करने के लिए दिया है, मालिक का नाम स्मरण करने के लिए दिया है। ये जो आंखें दी हैं वो किसी को नफरत या क्रोध से देखने के लिए नहीं, बल्कि मालिक के दर्शन करने के लिए दी हैं। ये जो दो हाथ दिए हैं वो किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं दिए हैं, हाथ जोड़कर मालिक की भक्ति करने के लिए दिए, उसे नमस्कार करने के लिए दिए। और पैर किसी को लात मारने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दिए हैं। गर्दन विनम्र होकर झुकाने के लिए दिया है, ना कि अहंकार से सिर उठाने के लिए। दो कान से हमें मालिक का नाम सुनना है, बुरी बातें नहीं, समझे? अब मैं कभी किसी से नफरत नहीं करूंगा, कभी किसी को गालियां नहीं दूंगा, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा बाबा, और ना ही कभी किसी को लातों से मारूंगा। बेबस और लाचार लोगों के मददगार बनो दादूबा। जो तुमने भुगता है उसे ध्यान में रखते हुए उनकी जिंदगी की मुश्किलें आसान करने की कोशिश करो। हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा बाबा। जनी बेटी, इस पागल से नाराज हो? तूने सच कहा था, मैं साईं बाबा नहीं हूं। इस महासापति ने मुझे साईं बाबा बनाया है। आप ही साईं बाबा हो, आप ही भगवान हो, इसलिए तो मेरे बाबा को ठीक कर दिया। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो, चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो, चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। Keep on.
सबका मालिक एक।